कोरोना ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना जैसी महामारी से इंदौर इससे पहले 3 बार जूझ चुका है। जी हां, 1881 में, 1897 और 1901 से लेकर 1911 के बीच। 1881 में जो बीमारी आई थी उसके कारण 109 लोग बीमार हुए थे, जिसमें से 52 लोगों की मौत हो गई थी। 1897 में ग्रंथिक ज्वर की बीमारी फैली थी, यानी कि प्लेग। उसका खौफ और असर बहुत कुछ कोरोना जैसा ही था। बीमारी फैलने के बाद होलकर स्टेट के सर्जन का एक सख्त आदेश जारी हुआ, जिसमें लोगों के लिए कड़ी हिदायतें थी। वो लगभग वैसी ही थी जैसी आज है। उस समय स्टेट सर्जन की तरफ से बालकृष्ण आत्माराम गुप्ते ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में थे कि जिसके भी घर से दुर्गंध आएगी, यानी कि बदबू आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर प्लेग से पीड़ित बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने घर में कोई रुकवाएगा तो उसे भी सजा मिलेगी। इसके बाद शहर में 1901 से 1911 के बीच भी कई बीमारियां फैली। 1903 के बाद कई बार बाजार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद हो गए। 1901 में इंदौर की आबादी करीब 87,000 थी, जो कि 1911 में 44,947 रह गई। इन 10 सालों में करीब 22,500 लोगों की मौत हुई थी और इतने ही लोग पलायन कर गए थे। ये इंदौर के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। और अब 2020 कोरोना महामारी, जिसने एक बार फिर से सब कुछ बंद करा दिया है। ना स्कूल खुले हैं और ना ही दुकानें, और ना ही अब सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इंदौर देश का 7वां सबसे कोरोना संक्रमित शहर है। यहां अब तक कोरोना के 32 मामले सामने आ चुके हैं और 4 मौतें हो चुकी हैं। न्यूज डेस्क।